बांदा जिले के होटल में जन सहाय सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा मजदूर व सामाजिक वकील कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गांव से आए हुए शिक्षित युवक और युवती को सामाजिक वकील त्रिदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि जन सहाय संस्था का उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को सुविधाएं दिलाई जाएं, जिससे उनका जीवन अच्छा हो सके और उनके जीवन में सुधार आ सके और लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा सके। वहीं मजदूरों को उनका हेल्पलाइन नंबर बताया गया, जहां मजदूर अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। वहीं इस मौके पर राधा जिला समन्वयक, धीरेन्द्र भारती ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, संतोष कुमार यादव ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ज्ञानदीप यादव, विद्या माया गौतम, सुनील बख्शी आदि सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मजदूरों के लिए काम करने के लिए, उनके हितों के लिए काम करने के लिए आप उन सब में काम करें, उनके विकास के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनको कोई शोषित न कर पाए इसके लिए आप काम करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और जहां कहीं भी आपको लगे कि इस सब बात की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है, आप निशुल्क आपसे संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, हम लोग जो कुछ कर सकते हैं आपके लिए उनके लिए करेंगे। मैं यही अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके जनसाहस पूरी टीम को, आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए पूरा धन्यवाद। मैं एक बार बहन के साथ नौ इसके लिए लड़ गए हैं और निरंतर लड़ते रहेंगे और हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं है, आगे बढ़ाना है। अपनी जो भी शोषण होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें शोषित की गलती नहीं होती है, गलती करने वाला दूसरा होता है और वो खुलेआम घूमता रहता है। तो मैंने जैसा बताया था कि आप ही एक हमारे लिए बहुत ही मजबूत समूह हो जो गांव में जाके ऐसे अपराधों को रोक सकता है और हमारे जिले के, हमारे जिले की ही नहीं, हमारा बुंदेलखंड, हमारा भारत, हम यहाँ पे किसी भी बहन के साथ कोई अपराध ना हो, किसी भाई के साथ कोई अपराध ना हो, सबके समान अधिकार हो, जैसा कि हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें। कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में मरने का काम नहीं करेंगे कि छुआछूत की भावना रखी जाए और ये सरकार ढोने की प्रथा है वो सही है अधिकारियों के द्वारा कि महिला मुक्ति अभी देखने को मिल रही है। तो आसिफ जी ने एक महिला मुक्ति अभियान यात्रा निकाली और उन्होंने पूरे भारत में कहा कि अब हम महिला नहीं उठाएंगे। तो जब आपको सुबह बताया गया था। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।